जाने की कौन से रास्ते से जा रहा है, मुझे मुझे आइडिया नहीं आ रहा भाई आज कौन से रास्ते से ले गया ये। वीडियो रिकॉर्डिंग होती है? हाँ, आप भी रिकॉर्डिंग हो रहे हो, सब आएगा। फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल JD स्टोर में। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे व्लॉग काफी पसंद आ रहे होंगे। तो इसी के लिए मैं एक नई सीरीज लाया हूँ उत्तराखंड की। तो मेरी आज से स्टार्ट होने वाली है उत्तराखंड राइड। तो इस राइड में कंप्लीट करूंगा चारों के चारों धाम जो कि हमारे पड़ते हैं उत्तराखंड में। उनमें से पहला है गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ। इसके साथ साथ मैं जाऊंगा वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट शिव जी के टेंपल जो कि है तुंगनाथ में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग काफी पसंद आएंगे। तो आज हमारी राइड का है डे फर्स्ट। तो इसमें मैं कवर करूंगा हल्द्वानी से लेके ऋषिकेश की, जो कि अप्रॉक्सीमेटली डिस्टेंस है 240 किलोमीटर के अराउंड में। तो चलिए पहले होते रेडी, मैं लेते राइडिंग जैकेट, फिर मिलते हैं मुझे मोटो व्लॉग में। सो गाइस, हम फाइनली निकल चुके हैं अपनी उत्तराखंड राइड पे और इस टाइम हो रहा है दिन के 1:20। टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है लेकिन भाई उत्तराखंड राइड का जो एक्साइटमेंट लेवल है ना, उसकी आगे कुछ की कोई वैल्यू नहीं। तो दिन में निकलने का मेरा मेन रीज़न ये था कि मुझे पता है कि अप्रॉक्सीमेटली 260 किलोमीटर दूर है ऋषिकेश मेरे हल्द्वानी शहर से। तो हार्डली मुझको 6 घंटे लगने वाले हैं। तो मैंने सोचा क्यों नहीं दिन के टाइम निकला जाए और शाम के टाइम पहुँच जाए हरिद्वार में, फिर वहाँ से गंगा आरती का आपको व्यू दिखाऊँगा। तो इसलिए मैं अभी निकला हूँ दिन में। तो टेम्परेचर तो काफ़ी ज़्यादा है लेकिन पता है ना आपको, जब मन में ठान लिया तो भाई कुछ नहीं आगे। तो चलिए चलते हैं आगे, तब तक एंजॉय कीजिए सिनेमैटिक व्यूज का और ये ऊपर बेहतरीन सी रोड का एक ड्रोन शॉट, उम्मीद करता काफी पसंद आएगा। तो लेट्स गो एंजॉय दिस सिनेमैटिक्स। Creeping up from the heathens, got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. So guys, इसी के साथ हम पहुंचे अपने पहले मॉरिसन रुद्रपुर सिटी। तो यहाँ से दो रूट है इससे के जाने के, एक वाया काशीपुर, एक वाया मुरादाबाद। तो ये गया रास्ता वाया काशीपुर रूट में, लेकिन हमें जाना है वाया मुरादाबाद में। तो हमने ये रास्ता चूज़ किया। तो भाई गर्मी तो बुरा हाल है भाई, अगर आप थोड़ी देर के रुक जाओगे ना कहीं पे तो इतनी स्वेटिंग हो रही ना भाई, बुरा हाल जा रहा है। अभी क्या हुआ, थोड़ी देर पहले फ़ोन आया मेरे फ्रेंड का तो वो पिक किया। तो भाई 2 मिनट की मैंने बात कर पाया क्योंकि इतनी गर्मी हो रही थी ना भाई, क्या बताएं भाई। तो गाइस जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने अभी रामपुर क्रॉस किया है और यहाँ से मुरादाबाद अप्रॉक्सीमेटली 16 किलोमीटर दूर गया। तो वैसे मैंने प्लान किया था कि मैं हॉल्ट लूँगा मुरादाबाद के बाद, लेकिन क्या हो रहा गर्मी की वजह से और ब्लॉगिंग करते करते प्यास भी तेज लग रही ना, तो वैसे रहा नहीं गया। तो मैंने क्यों भाई इतना स्ट्रेस किया जाए, बॉडी को इतना स्ट्रेस किया जाए, रुक जाते हैं क्या कर रहा है। तो मैं रुक गया और थोड़ा हॉल्ट लिया और पानी पीते हैं, उसके बाद निकलते हैं। और हमारी भारतीय रेलवे यहाँ भी हमारे साथ ही आ रही है, ठीक है। ये रास्ता गया है दिल्ली के लिए और हमें जाना है मुरादाबाद होते हुए कार्ड। तो हमें यहाँ से लेना पड़ेगा राइट टर्न। तो मैं आपको पहले यहाँ से टर्न लेते फिर आपको स्टोरी सुनाता हूँ। मुरादाबाद 9 किलोमीटर है, बिजनौर होते हुए मैं हरिद्वार 172। भाई टाइम हो जाएगा तो 172 काफ़ी दूर हुआ। तो भाई अब जाके हम मुरादाबाद क्रॉस किया है और हो गया टाइम 15:38 यानी कि 3:40 और 3:15 में हमने एंट्री किया था और 3:40 में हमने क्रॉस कर दिया।
तो 25 मिनट लगे हमको मोरदाबाद सिटी क्रॉस करने में। सही है भाई, सिटी में जाओगे ट्रैफिक तो मिलेगा, ट्रैफिक मिलेगा तो टाइम आपका किल होगा, ये तो है। तो अब थोड़ा सा हॉल्ट लेंगे क्योंकि हमारी रेंज दिखा रहा है 23 किलोमीटर, और पेट्रोल पम्प जहाँ मिलेगा वहीं पे हम अपना टैंक फिल अप कर लेंगे, अदरवाइज़ भाई बाद में कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। तो भाई चलिए कर लेते हैं। फुल पकड़ना पड़ेगा, चलिए अब चलते हैं। सो गाइस अभी हम सिटी के ट्रैफिक से दूर आ चुके हैं नूरपुर शहर से आगे, और यहाँ से ऋषिकेश से अप्रॉक्सीमेटली 110 किलोमीटर। और भाई बेहतरीन सी रोड देखो भाई, क्या ब्यूटीफुल है, दूर तो सब कवर्ड है पेड़ से, और बीच में ब्यूटीफुल सी रोड विद मार्किंग, काफ़ी खतरनाक है। आप देखिए ऊपर से ड्रोन शॉट आपको जस्टिफाई कर रहा होगा, क्या ब्यूटीफुल रोड है। और उसके राइट हैंड साइड में आप देख ही रहोगे खेत, हरियाली वाले खेत है। तो चलिए गाइस अभी हो चुके शाम के अप्रॉक्सीमेटली 5 बज गए, तो चलिए जल्दी से चलते हैं अब सीधा हरिद्वार को, क्योंकि जैसे जैसे हम टाइम बीतेगा सन की रेज डाउन होते रहेगी और लो लाइट में मेरा ड्रोन जस्टिफाई नहीं कर पाएगा हरिद्वार की ब्यूटी को। तो इसलिए पहले पहुँचते जल्दी से वहाँ पे और फिर दिखाते हैं आपको बेहतरीन नज़ारा। पता नहीं कौन से रास्ते से जा रहा है, मुझे आइडिया नहीं आ रहा भाई आज कौन से रास्ते से ले गया ये। इस रास्ते पर कभी आया नहीं मेरे ख्याल से, पता नहीं भाई क्या है। जीपीएस लगा रहा तो जीपीएस बता रहा तो सही होगा भाई। हाँ भाई वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। हाँ आप भी रिकॉर्डिंग हो रहे हो, सब आएगा। हाँ जी ये गंगा किनारा रोड यही है क्या? गंगा किनारा रोड के आगे गंगा किनारा रोड, गंगा तो अभी दूर है, दूर है। आप चंडी मंदिर, मनसा देवी मंदिर, और फिर उसके बाद में गंगा जी पड़ेंगे। अच्छा आगे सब आ रही है। हाँ ठीक है भैया, धन्यवाद। मेरे ख्याल से भाई केनाल रोड पीछे रह गई और मैं दूसरे रूट से आया उस बार। एक्चुअली गैस मैं वहाँ पे रुका हुआ था क्योंकि मेरे गोप्रो की बैटरी हैंग हो गई थी, तो मैं उसको रिसेट कर रहा था निकाल के, तभी वहाँ पे एक ट्रक ड्राइवर भैया थे, वो देख रहे मुझे बहुत देर से, तो उनको क्यूरियोसिटी थी कि भाई ये कैसा क्या पहना हुआ है, क्या क्या है। तो आकर उन्होंने पूछा ये क्या है, तो मैंने कहा भाई रिकॉर्डिंग होती है ये वो होता है, तो आगे बताइए आपको। तो अभी भी काफ़ी ये गेटअप जो मेरा है ना वो काफ़ी लोगों के लिए नया होता है, तो वो समझ नहीं पाता क्या चीज़ है। तो मैंने पूछ लिया भैया आगे वो गंगा किनारा रोड कहाँ है, तो वो कंफ्यूज हो गए, तो गंगा जी को समझने लग गए। तो ये सो गाइस जिस गंगा किनारे की बात करता वो रास्ता ये है, और मैं आया पीछे से, तो यहीं से वो रास्ता गया था यहाँ को मुझे जाना था। तो चलिए कैनाल ये रही, मुझे यहाँ से आना था, मैं कहीं और से आ गया केनाल एरी। कोई नहीं, मैं हाईवे चूज़ किया मैंने जिसकी वजह से ये हुआ। अप्रॉक्सीमेटली अब हरिद्वार रह गया 20 किलोमीटर ही, और शाम भी हल्के से हो चुकी है पूरी, और ये जो एरिया है वो है फॉरेस्ट एरिया, और बीच से निकाल दिया उन्होंने 4 लेन। भाई मेरे को समझ में नहीं आया यार, फॉरेस्ट एरिया से आप 4 लेन बनाने का मतलब क्या हो यार, ये 2 लेन सफिशेंट था, अब 4 लेन में आएगी गाड़ी हाई स्पीड में जाएगी, बेचारे जानवरों का भाई ऐसी
बुरा हाल होगा ना। कोई नहीं भैया, पॉलिसी होने वाले अलग है, कुछ सोचा होगा उन्होंने तभी बनाई होगी। हम तो ले में हम कर ही कह सकते हैं, पहले ये थी दो, अब तो पुराना बना दिया उन्होंने। सो गाइस फाइनली आपको वर्चुअल स्वागत है हरिद्वार में। हम पहुंच ही गए 5 घंटे बाद हरिद्वार में और सनसेट का नज़ारा क्या ब्यूटीफुल है। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मैं थोड़ा जल्दी पहुंच जाऊंगा, लेकिन भाई बीच में मैंने ब्रेक ले लिया जिसकी वजह से थोड़ा डिले हो गया। लेकिन भाई व्यू तो काफ़ी ख़तरनाक है इस टाइम जो सनसेट का हो रहा नज़ारा, मज़ा आ गया भाई, बहुत हिट है। अब यहाँ से उड़ाते हैं, जल्दी से उड़ाते हैं, तो अब यहाँ से जल्दी से अपना ब्लैक हैक उड़ाते हैं और दिखाते हैं आपको ब्यूटीफुल हरिद्वार का एक एरियल व्यू। उम्मीद करता हूँ काफ़ी पसंद आएगा, तो लेट्स वॉच दिस सिनेमैटिक्स। ओहो लो। सो गाइस ड्रोन सिनेमैटिक आपको कैसे लगे, उम्मीद करता हूँ काफ़ी पसंद आए होंगे। वैसे थोड़ी लाइट लो हो गई थी जिसकी वजह से शॉट उतने अच्छे नहीं आ पाए जितने कि आने थे, लेकिन फिर भी काम से तो थे। तो उसके बाद हमने वहाँ पे स्नान किया और अब दोबारा अपनी करनी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो बीच में हमें दो भाई मिले थे, वो आए थे मुजफ्फरनगर से, लेकिन उसमें क्या था गोपो की बैटरी हो गई थी डिस्चार्ज, जिसकी वजह से मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाया। अब दोबारा उसको बैटरी को रिचार्ज करके अब दोबारा रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो यहाँ से ऋषिकेश अप्रॉक्सीमेटली 22 किलोमीटर दूर रह गया है, तो चलिए वहाँ सीधा पहुँचते हैं और मिलते कल। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो पता है क्या करना है, मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी नए दिन किसी और नए शहर पर, तब तक बाय, जय हिंद, बाय बाय।